क्लासेस टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास. टुडे आई टीच चैप्टर नंबर 7 अवर नेबरहुड. डू वर्ड मीनिंग. क्या करेंगे आज? वर्ड मीनिंग. इन लास्ट वीडियो वी विल रीड चैप्टर नंबर 7 अवर नेबरहुड. लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 वर्ड मीनिंग. चैप्टर 7 वर्ड मीनिंग. डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड M E A N I N G word meaning. W O R D word M E A N I N G meaning. Word meaning means शब्द अर्थ. शब्द अर्थ. Word meaning means शब्द अर्थ. Let we start word meaning. Number first है हमारा neighborhood. N E I N E I G H B O U R H double O D N E I G H B O U R H double O D hood. Neighborhood. Neighborhood means क्या होता है? अड़ोस पड़ोस. क्या होता है? अड़ोस अड़ोस पड़ोस. क्या होता है? Neighborhood means अड़ोस पड़ोस. N E I G H B O U R H double O D hood. Neighborhood. Neighborhood means अड़ोस पड़ोस. Neighborhood means अड़ोस पड़ोस. Number टू पे है बेटा हमारा एरिया. A E A R sorry A R E A एरिया. एरिया means क्या होता है? क्षेत्र. एरिया means क्या होता है? क्षेत्र. नंबर सेकंड पे है एरिया. ए आर ई ए. ए आर ई ए एरिया. एरिया मीन्स क्षेत्र. एरिया मीन्स क्षेत्र. नंबर थर्ड पे है हमारा. नंबर थर्ड पे है नीड. एन डबल ई डी नीड. नीड मीन्स क्या होती है? जरूरत. नंबर थ्री पे है नीड. एन डबल ई डी नीड. नीड मीन्स जरूरत. नीड मीन्स जरूरत. एन डबल ई डी नीड. नीड मीन्स जरूरत. नंबर फोर्थ पे है हमारा मार्केट. एम ए आर के ई टी मार्केट. मार्केट मीन्स क्या होता है? बाजार. बा जा रे. क्या होता है? बाजार. मार्केट मीन्स बाजार. M A R K E T मार्केट. मार्केट मीन्स बाजार. M A R K E T मार्केट मीन्स बाजार. नंबर फाइव पे है हमारा वेस्ट. W A S T E वेस्ट. W A S T E वेस्ट. वेस्ट मीन्स बेकार. बे क आर रे बेकार. W A S T E वेस्ट. वेस्ट मीन्स बेकार. वेस्ट मीन्स बेकार. नेक्स्ट है नंबर सिक्स नॉइज. एन ओ आई एस ई नॉइज. नॉइज मीन्स क्या होता है? शोर. नॉइज मीन्स शोर. एन ओ आई एस ई नॉइज. नॉइज मीन्स शोर. एन ओ आई एस ई नॉइज मीन्स शोर. नॉइज मीन्स शोर. नंबर सेवन पे है हमारा गार्बेज. जी ए आर B A G E garbage. G A R B A G E garbage means कूड़ा. garbage means कूड़ा. G A R B A G E garbage. garbage means कूड़ा. नंबर एट पे है हमारा neighbor. N E I G H B O U R neighbor means पड़ोसी. नेबर मीन्स पड़ोसी. एन ई आई जी एच बी ओ यू आर. एन ई आई जी एच बी ओ यू आर नेबर मीन्स पड़ोसी. आई विल बी रिपीट अगेन. फर्स्ट नंबर पे है नेबरहुड. एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी हुड. नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स अड़ोस पड़ोस. नेबरहुड मीन्स अड़ोस पड़ोस. नंबर सेकंड पे है एरिया. ए आर ई ए. ए आर ई ए एरिया. एरिया मीन्स क्षेत्र. एरिया मीन्स क्षेत्र.
नंबर थ्री पे है नीड, एन डबल ई डी नीड, एन डबल ई डी नीड, नीड मीन्स जरूरत, नीड मीन्स जरूरत। नंबर फोर्थ पे है मार्केट, एम ए आर के ई टी, एम ए आर के ई टी मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार, मार्केट मीन्स बाजार। नंबर फाइव पे है वेस्ट, डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट, डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट, वेस्ट मीन्स बेकार, वेस्ट मीन्स बेकार। नंबर सिक्स पे है नॉइज, एन ओ आई एस ई नॉइज, नॉइज मीन्स शोर, एन ओ आई एस ई नॉइज मीन्स शोर, नॉइज मीन्स शोर। नंबर सेवन पे है गारबेज, जी ए आर बी ए जी ई गारबेज, जी ए आर बी ए जी ई गारबेज, गारबेज मीन्स कूड़ा, गारबेज मीन्स कूड़ा। नंबर एट पे है नेवर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, नेबर मीन्स पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टिक ऑप्शन, टी आई सी के टिक, ओ पी टी आई ओ एन टिक ऑप्शन। तो नंबर फर्स्ट है हमारा टिक ऑप्शन पे, नंबर फर्स्ट है वी डब्ल्यू ई वी एल डबल ई सी डैश आई एन ई ओ यू आर आवर एल ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी हुड, डब्ल्यू ई वी एच डबल ई सी डैश आई एन ई ओ यू आर आवर एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी हुड वी शी डैश इन आवर नेबरहुड, की हम क्या क्या देखते हैं अपने आड पड़ोस में। Correct answer is all of these, A double L all O F O T H E S E, all of these, A double L R O F O T H E S E these, we see dash in our neighborhood. Correct answer is all of these. All of these का मतलब क्या है कि हम सारी चीजें क्या क्या देखते हैं, hospital, school, post office, market, okay? नंबर सेकंड है द गुड, टी एच द जी डबल ओ डी गुड, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी हुड, द गुड नेबरहुड, एम यू एस टी मस्ट, एन ओ टी नोट, एच ए वी ई हैव डैश, टी एच ई द जी डबल ओ डी गुड, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी नेबरहुड, एम यू एस टी मस्ट, एन ओ टी नोट, एच ए वी हैव, मतलब एक अच्छे अड़ोस पड़ोस में हमें क्या देखने को नहीं मिलता, गार्बेज, मार्केट, द गुड नेबरहुड मस्ट हैव नोट डैश, एक अच्छे आड़ पड़ोस के पास हमें क्या नहीं दिखाई देता, गार्बेज, जी ए आर बी ए जी ई, जी ए आर बी ए जी ई गार्बेज। आई विल बी रिपीट अगेन, नंबर फर्स्ट है वी सी डैश इन आवर नेबरहुड, कि हम अपने आड़ पड़ोस में क्या देखते हैं, ऑल ऑफ दीज मीन्स, ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, मार्केट, बैंक, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज, ए डबल एल ऑल ओ एफ ऑफ टी एच ई एस ई दीज, ऑल ऑफ दीज। नंबर सेकेंड है द गुड नेबरहुड मस्ट नॉट हैव, कि मतलब हम क्या नहीं देखते हैं अच्छे आड़ पड़ोस के पास, गार्बेज, जी ए आर बी ए जी ई, जी ए आर बी ए जी ई गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा। अभी हमने क्या कराया, चैप्टर नंबर सेवन में वर्ड मीनिंग कराए हैं और टिक ऑप्शन, तो डू लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग एंड टिक ऑप्शन, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे, आई विल रीड चैप्टर 8 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। So let's we start, dear students. Class is first. Chapter name is articles. Articles, articles होंगे बेटा, there are three article in English language. English language में जो article होते हैं वो कितने होते हैं, three, a, an और the, a, an and the, कितने article होते हैं, three. Let us now about the use of a or an. ए और एन का यूज करेंगे बेटा, ए और एन का मीनिंग होता है एक, ए और एन का मीनिंग होता है एक, ए एंड एन मीन वन, ए और एन का मतलब होता है वन, ए एंड एन आर यूज्ड
बिफोर ए सिंगुलर नेमिंग वर्ड। कह रहा है कि ए और एन का प्रयोग हम कोई भी सिंगुलर जो एकवचन जो नामकरण शब्द होते हैं उनसे पहले करते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज़ हम वहाँ करेंगे बेटा जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। एंड एन इज यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड। और एन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई भी वर्ड किसे वोवल से स्टार्ट हो गया, वोवल की साउंड आ रही है, जिसमें वोवल होते हैं हमारे ए ई आई ओ और यू। वोवल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। अभी कोई भी वर्ड अगर हमारा ए ई आई ओ यू वोवल से स्टार्ट होगा तो उसमें हम यूज़ करेंगे एन। और उसके अलावा जो भी बचे वो सारे हमारे क्या रहे हो गए? कॉन्सोनेंट। तो जो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा कोई वर्ड तो उसके फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें हम राइट डाउन करेंगे उस फिलअप में ए। नाउ लुक रीड एंड लर्न। अभी देखो फर्स्ट है ए मैन। मैन का जो एम है बेटा वो कॉन्सोनेंट है, ये वोवल नहीं है, बिकॉज वोवल हमारे ए ई आई ओ यू यही है। तो ए मैन इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा ए, बिकॉज ये वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। नेक्स्ट में एन आंट। अभी इनका सबका मीनिंग वन है, ए और एन का मतलब होगा वन, तो सभी सिंगुलर चीज़ें हैं यहाँ पे। एन आंट, अब ये पे एन का यूज़ इसलिए हुआ बिकॉज ए हमारा वोवल है, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट होगा तो उस फिलप्स में एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट इज ए पांडा। ए पांडा पी हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में फिर सो वी यूज ए। नेक्स्ट इज ए बोट। बोट का बी कॉन्सोनेंट है सो ए। नेक्स्ट इज एन एरो। एरो है, एरो का फर्स्ट लेटर हमारा ए है और ए हमारा वोवल हो गया, वोवल ए ई आई ओ यू, वोवल हो गए ए ई आई ओ यू, तो ए हमारा वोवल है तो वोवल आएगा तो उसमें यूज होगा एन। नेक्स्ट इज एन अम्ब्रेला। यू हमारा वोवल है सो वी यूज एन। ए लेमन, लेमन का ए लेमन, लेमन का एल हमारा कॉन्सोनेंट है सो वी राइट डाउन ए। नेक्स्ट इज एन एप्पल। एप्पल का ए हमारा वोवल है सो राइट डाउन एन। ए वॉच, वॉच का डब्ल्यू हमारा कॉन्सोनेंट हो गया सो राइट डाउन ए। नेक्स्ट इज एन ऑल। ऑल हमारा ओ हमारा वोवल हो गया, क्या हो गया बेटा? वोवल, वोवल में एन का यूज़ करेंगे। एन आइसक्रीम, आइसक्रीम का आई हमारा वोवल है सो राइट डाउन एन। ए कैप, कैप का सी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में यूज़ करेंगे हम ए। एन एग, एग का ई हमारा वोवल हो गया सो राइट डाउन एन। एन ओरेंज, ओरेंज का ओ वोवल है सो राइट डाउन एन। एंड ए टाइगर, टाइगर का टी हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में आएगा ए। सो बेटा आपका डायरेक्ट बात ये होगी कि जहाँ वोवल से स्टार्ट होगा, वोवल ए ई आई ओ यू, वोवल से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उस फिलअप में हम राइट डाउन करेंगे एन। और वोवल के अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जो 26 लेटर है टोटल, जिसमें ए ई आई ओ यू हमारे 5 वोवल हो गए, उनको निकालने के बाद 21 जो कॉन्सोनेंट बच गए वो हमारे सभी कॉन्सोनेंट होंगे और उसमें यूज़ करेंगे हम ए अगर उस कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो। अगेन रीड एंड लर्न। ए बी, ए टॉफी, ए लॉयन, ए चाइल्ड, ए रेट। इसमें सभी में ए का यूज़ हुआ है बिकॉज बी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, आर बी कॉन्सोनेंट। एन एक्स, एन एगल, एन इंकपोट, एन ओस्टर, एन अर्न। इसमें सभी में एन का यूज़ हुआ है बिकॉज ए ई आई ओ यू, ये सभी हमारे वोवल हो गए, वोवल में यूज़ करेंगे हम एन का। ओके बेटा, वर्कशीट में आपको जैसे कि पुट एन ए और एन बिफोर द नेम द पिक्चर, नेम ऑफ पिक्चर, इसमें फर्स्ट पिक्चर है एरोप्लेन, एरोप्लेन का ए हमारा वोवल है सो राइट डाउन वोवल में हम यूज़ करेंगे एन। पैरट का पी कॉन्सोनेंट है राइट डाउन पी। क्लॉक का सी कॉन्सोनेंट राइट डाउन ए। अम्ब्रेला का यू वोवल सो राइट डाउन एन। कैरेट का सी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो ए। ऑक्टोपस का ओ इज वोवल सो राइट डाउन एन। एंड कप का सी, ऑक्टोपस का ओ वोवल सो राइट डाउन एन, सी कॉन्सोनेंट सो राइट डाउन ए। इग्लू का आई वोवल सो राइट डाउन एन।
मंकी का एम कॉन्सोनेंट, सो राइट डाउन ए. पियर का पी कॉन्सोनेंट, सो राइट डाउन ए. कंगारू का के कॉन्सोनेंट, सो राइट डाउन ए. एलिफेंट का ई वोवल, सो राइट डाउन एन. ओके, नाउ वी यूज ऑफ वी रिवाइज यूज ऑफ द ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर नेमिंग वर्ड. ए और एन का यूज हम कोई भी सिंगुलर जो एक वचन नामकरण शब्द है उसे पहले करते हैं. द इज यूज बिफोर ए पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड, सिंगुलर प्लूरल. अभी द का यूज कोई भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी विशेष नामकरण शब्द होता है उसमें यूज करते हैं बेटा द का. कोई भी जो विशेष नामकरण शब्द होता है उसमें यूज करेंगे हम द का. जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन बिफोर ए नेमिंग वर्ड. पहले हम अब करते थे ए और एन का यूज नामकरण किसी भी नामकरण शब्द से पहले, बट आफ्टर द इज यूज बिफोर द सेम नेमिंग वर्ड. अभी बेटा कोई भी विशेष नामकरण शब्द होगा. ओके, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, फेमस बिल्डिंग, होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर. एग्जाम्पल बेटा द का यूज हम हमेशा कोई भी फेमस नहीं रिवर्स, कोई भी नदी हो, पर्वत हो, कोई भी फेमस बिल्डिंग हो, होली बुक्स हो एंड न्यूज़पेपर हो, उनमें सभी के फर्स्ट में ये यूज करेंगे द. जैसे द गंगा, द हिमालय, द ताजमहल. कोई भी पर्टिकुलर नेम होना चाहिए बेटा उसके अंदर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है अभी. द इज ऑल्सो यूज बिफोर नेचुरल ऑब्जेक्ट, अर्थ, सन, मून, स्काई, सी, ओशन, ये सभी में अगर आता है तो इसमें सभी में हम यूज़ करेंगे द का. जैसे द अर्थ, द सन, द मून. कोई भी पर्टिकुलर चीज़, कोई भी विशेष चीज़ होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे द. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी विशेष वर्ड आ गया, जैसे सन, मून, अर्थ, किसी भी रिवर का नाम, किसी भी हिमालय, किसी भी बिल्डिंग का नाम आ गया तो उसके फ्लप में हम यूज़ करेंगे द. ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुर. डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 21 पाठ का नाम है जादुई रंगीन बक्सा पढ़ेंगे. ठीक है, शिक्षण संकेत में देखिए बेटा, इस पाठ में बच्चों के सपनों की मनचाही कल्पनात्मक उड़ान भरने की कल्पना लेखक ने की है. लेखक ने क्या बताया है कि बच्चों के जो सपना होता है उसमें मनचाही कल्पना उड़ान भरने की कल्पना लेखक ने की है. शिक्षक महोदय बच्चों को बताएं कि वे कल्पना कर बहुत सी नई नई बातें सीख सकते हैं. देखिए बेटा, लेखक इस पाठ में क्या बताएगा कि जो बच्चों का जो सपना होता है मनचाही उड़ान भरने का, वो इसमें बताया गया है. देखिए, रिचा का छठा जन्मदिन था. रिचा एक लड़की का नाम है, उसका छठा जन्मदिन था. उसके दादाजी उसके लिए एक तोहफा लाए. तोहफा मीन्स बेटा वो होता है उपहार लाए थे. वह चमकीले कागज में लिपटा था. जो तो उपहार था वो चमकीले कागज में लिपटा हुआ था और उस पर लाल रिबन बंधा था. देखिए बेटा, जो उपहार होता है उसको जब पैकिंग करते हैं तो वह एक चमकीला सा कागज में लपेटा जाता है और उस पर एक रिबन बंधा होता है. रिचा ने उसे दादाजी से लिया और खोलने लगी. रिचा ने उस उपहार को दादाजी से लिया और उसको खोलने लगी. वह एक सुंदर रंग का बक्सा था. उपहार में क्या था? एक सुंदर रंग का बक्सा. दादाजी ने कहा, बेटा यह एक खास तरह के रंग का बक्सा है. दादाजी ने कहा कि बेटा यह एक खास तरह का बक्सा है. रिचा को चित्र बनाना और उसमें रंग भरना बहुत पसंद था. रिचा जो है उस लड़की को उसमें रंग भरना और चित्र बनाना बहुत पसंद था. वह बहुत खुश हुई. ओ है दादाजी, आप कितने अच्छे हैं. और अपने दादा से बोलने लगे कि दादाजी आप कितने अच्छे हैं. कहकर वह दादाजी से लिपट गई और वह दादाजी से लिपट जाती है. दादाजी मुस्कुराने लगे. रिचा ने कागज पर पेंसिल से तितली का चित्र बनाया. और रंग का बक्सा खोलकर तितली के पंखों पर तरह तरह के रंग भरने
लगी। रिचा जो है उसमें बक्से में तरह तरह के अलग अलग तरह के रंग भरने लगी। चित्र पूरा हो गया तो रिचा उसे रख कर देखने लगी। जब चित्र पूरा हो जाता है तो रिचा उसे देखने लगी। वह अभी चित्र को देख ही रही थी कि तितली ने सुंदर पंख खोले और कागज से उड़ गई। जब रिचा उस चित्र को देख रही थी तो तितली ने अपने पंख खोले और कागज से उड़ गई। उड़कर उड़कर वह बगीचे में एक फूल पर जा बैठी। यह देखकर रिचा बहुत चौंकी, पर उसे दादाजी की बात याद आ गई कि यह रंगीन बक्सा खास तरह का है। वह समझ गई यह रंगीन बक्सा जादुई है। उसे बड़ा अच्छा लगा। दादाजी का जो दिया हुआ उपहार था, बक्सा जो था, वो रिचा को बहुत पसंद आया। अब रिचा ने रंग बिरंगी चिड़िया का चित्र बनाया। अब रिचा उसमें रंग बिरंगी चिड़िया का चित्र बनाने लगी। चित्र में रंग भरते ही चिड़िया चीची करके बोल उठी। जब रिचा ने चित्र बनाया चिड़िया का और उसमें रंग भरा तो चिड़िया चीची बोलने लगी। वह अपने नन्हे पंखों को फड़फड़ाकर रिचा के कंधे पर बैठ गई और वह अपने पंख जो होते हैं उनको फड़फड़ाकर रिचा के कंधे पर बैठ जाती है। फिर खिड़की से बाहर उड़ गई और फिर वह खिड़की से बाहर उड़ गई। इस बार रिचा जरा भी नहीं चौंकी। उसे पता था चिड़िया वैसा ही करेगी। इसके बाद रिचा ने गिलहरी, खरगोश, मेंढक आदि के चित्र बनाए। वे सब कागज से बाहर निकलकर बगीचे में आ गए और फुदकने लगे। अब जो रिचा है उसको मज़ा आ गया। वह अलग अलग तरह के चित्र बनाने लगी। कभी गिलहरी का, खरगोश का, मेंढक का, ठीक है, आदि के चित्र बनाने लगी। वे सब कागज से बाहर निकलकर बगीचे में आ गए और फुदकने लगी। रिचा यह सब देखकर बहुत खुश हुई। उसने उन सब से मित्रता कर ली। अब रोज सभी साथ खेलते थे। तो बेटा, रिचा के जो दादाजी है, उस रिचा के जन्मदिन पर जो उपहार दिया वो था एक रंगीन बक्सा और जादुई बक्सा था। उसमें जो भी रिचा कुछ चित्र बनाती थी वह और कलर भरते ही वे चित्र जिसका भी चित्र बनाती थी वह अपने आप चलने या घूमने फिरने लगते थे। देखिए, जैसे यहाँ पे ये क्या है, इस चित्र में देखिए ये गिलहरी है, इसका चित्र बनाया तो ये अपने आप ही चलने लग गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए तितली है, तितली का चित्र बनाया तो ये अपने आप उड़ने लग गई। इधर देखिए चिड़िया है, चिड़िया का चित्र बनाती वह चीची करके और रिचा के कंधे पर बैठ जाती है। तो इस तरह रिचा को तोहफा जो है वो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। पाठ अच्छा है बेटा, आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए इसके शब्दार्थ करेंगे हम। तोहफा, तोहफा मीन्स क्या होता है, उपहार। तोहफा मीन्स उपहार या जो, तोहफा मीन्स क्या होता है, उपहार। फुदकना, धीरे धीरे उछलना। चित्र, चित्र क्या होता है, तस्वीर। चित्र किसको बोलते हैं बेटा, तस्वीर। खास मीन्स क्या होता है, विशेष। खास तोहफा यानी विशेष तोहफा। मित्रता मीन्स दोस्ती, मित्रता मीन्स दोस्ती। सुंदर मीन्स खूबसूरत, सुंदर मीन्स खूबसूरत। एक बार फिर से देखिए बेटा शब्दार्थ। तोहफा मीन्स उपहार, फुदकना मीन्स धीरे धीरे उछलना, चित्र मीन्स तस्वीर, खास मीन्स विशेष, खास मीन्स विशेष, मित्रता मीन्स दोस्ती, मित्रता मीन्स दोस्ती, सुंदर मीन्स खूबसूरत। तो बेटा ये थे हमारे शब्दार्थ। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ पहले पार्ट को पढ़ना है और उसके बाद शब्दार्थ साफ सुंदर राइटिंग में करना है। प्रश्नोत्तर बेटा हम कल करेंगे। ओके, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू MLP यूट्यूब चैनल। आई सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। स्टूडेंट, our class is first and subject is math.
इन द लास्ट वीडियो वी डिड कंप्लीटेड नंबर्स नेम नंबर्स 80 एंड टुडे वी विल स्टार्ट नंबर्स 81 टू 100. ओके सो लेट्स स्टार्ट बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड नंबर्स 81 टू 90, देन वी रीड नंबर्स 91 टू 100. ओके सो बेटा आप देखेंगे हमारे ये बंडल्स कितने हो गए. 8 टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बंडल्स हो गए. 8 तो इनमें 10 स्टिक्स है तो ये कितने हो गए. 8 टेंस एंड 1 कितने हो गए बेटा. 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81. ई आई जी एच टी वाई 80 ओ एन ई 1 81. ई आई जी एच टी वाई 80 ओ एन ई 1 81. नेक्स्ट है 8 टेंस एंड 2 वंस आर 80 प्लस 2 इज इक्वल टू 82. ई आई जी एच टी वाई 80 टी डब्ल्यू ओ 2 82. ई आई जी एच टी वाई 80 टी डब्ल्यू ओ 2 82. नेक्स्ट है 8 टेंस एंड 3 वंस आर 80 प्लस 3 इज इक्वल टू 83. ई आई जी एच टी वाई 80 टी एच आर डब्ल्यू ई 3 83. नेक्स्ट है 8 टेंस एंड 4 वंस आर 80 प्लस 4 इज इक्वल टू 84. ई आई जी एच टी वाई 80 एफ ओ यू आर 4 84. नेक्स्ट है 8 टेंस एंड 5 वंस आर 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85. ई आई जी एच टी वाई 80 एफ आई वी ई 5 85. नेक्स्ट है 8 टेंस एंड 6 वंस आर 80 प्लस 6 इज इक्वल टू 86. ई आई जी एच टी वाई 80 एस आई एक्स 6 86. नेक्स्ट है 8 टेंस एंड 7 वंस आर 80 प्लस 7 इज इक्वल टू 87. ई आई जी एच टी वाई 80 एस ई वी ई एन 7 87. क्या बन जाएगा बेटा 87. अब है 8 टेंस एंड 8 वंस आर 80 प्लस 8 इज इक्वल टू 88. ई आई जी एच टी वाई 80 ई आई जी एच टी 88. ई आई जी एच टी वाई 80 ई आई जी एच टी 88. अब है 8 टेंस एंड 9 वंस आर 80 प्लस 9 इज इक्वल टू 89. ई आई जी एच टी वाई 80 एन आई एन ई 9 89. 8 tens and tens ones are 80 plus 10 is equal to 90 n-i-n-e-t-y 90. Okay. So, beta, ab repeat karenge. Numbers n-u-m-v-e-r-s. Numbers 81 to 90. First of all, 81 to 90 karenge. 81. 81 ki kya spelling hogi beta? E-i-g-h-t-y 80. O N E 1 81. E I G H T Y 80 O N E 1 81. Next है 82. E I G H T Y 80 T W O 2 82. E I G H T Y 80 T W O 2 82. Next है 83. E I G H T Y 80 T H R W E 3 83. E I G H T Y 80 T H R W E 3 83. Next है 84. E I G H T Y 80 F O U R 4 84. E I G H T Y 80 F O U R 4 84. Next है 85. E I G H T Y 80 F I V E 5 E I G H T Y 80 F I V E 5 85. Next है 86. E I G H T Y 80 S I X 6 86. E I G H T Y 80 S I X 6 87. E I G H T Y 80 S E V E N 7 87. Next है 88. E I G H T Y 80 E I G H T 8 E I G H T Y 80 E I G H T 8 88.
नेक्स्ट है 89 ई आई जी एच टी वाई 80 एन आई एन ई 9 89 लास्ट है बेटा 90 एन आई एन ई टी वाई 90। सो अब बेटा हम नंबर्स करेंगे 91 टू 100। ओके सो लेट्स स्टार्ट नंबर्स 91 टू 100। सो 9 टेंस एंड 1 90 प्लस 1 क्या बनेगा बेटा 91। देखो अब हमारे बंडल्स कितने हो गए 9 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा 91 एन आई एन ई टी वाई 90 ओ एन ई 1 91 9 टेंस एंड 1 क्या बनेगा 91। नेक्स्ट है बेटा 9 टेंस एंड 2 वंस आर 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 92 एन आई एन ई टी वाई 90 टी डब्ल्यू ओ 2 92। नेक्स्ट है 9 टेंस एंड 3 वंस आर 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 93 एन आई एन ई टी वाई 90 टी एच आर डबल ई 3 93। नेक्स्ट है 94 एंड 9 टेंस एंड 9 वंस आर 90 प्लस 4 इज इक्वल टू 94 एन आई एन ई टी वाई 90 एफ ओ यू आर 4 94। नेक्स्ट है 9 टेंस एंड 5 वंस आर 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95 एन आई एन ई टी वाई 90 एफ आई वी ई 5 95। नेक्स्ट है 96 9 टेंस एंड 6 वंस आर 90 प्लस 6 इज इक्वल टू 96 एन आई एन ई टी वाई 90 एस आई एक्स 6 96। अब है 9 टेंस एंड 7 वंस आर 90 प्लस 7 इज इक्वल टू 97 एन आई एन ई टी वाई 90 एस ई वी ई एन 7 97। नेक्स्ट है 9 टेंस एंड 8 वंस आर 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 98 एन आई एन ई टी वाई 90 ई आई जी एच टी 8 98। नेक्स्ट है 9 टेंस एंड 9 वंस आर 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99 एन आई एन ई टी वाई 90 एन आई एन ई 999। नेक्स्ट है बेटा 9 टेंस एंड 10 वंस आर इज इक्वल टू 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 एच यू एन डी आर ई डी 100। सो बेटा लास्ट था हमारा 100 एच यू एन डी आर ई डी 100। ओके सो अब रिपीट करेंगे बेटा नंबर्स 91 टू 100। ओके सो बेटा नंबर्स एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स 91 टू 100। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट है 91 एन आई एन ई टी वाई 90 ओ एन ई 1 91 एन आई एन ई टी वाई 90 ओ एन ई 1। नेक्स्ट है 92 एन आई एन ई टी वाई 90 टी डब्ल्यू ओ 2 92। नेक्स्ट है 93 एन आई एन ई टी वाई 90 टी एच आर डबल ई 3। नेक्स्ट है 94 एन आई एन ई टी वाई 90 एफ ओ यू आर 4 94। नेक्स्ट है बेटा 95 एन आई एन ई टी वाई 90 एफ आई वी 5 95। नेक्स्ट है 96 एन आई एन ई टी वाई 90 एस आई एक्स 6 96। अब है 97 एन आई एन ई टी वाई 90 एस ई वी ई एन 7 97। नेक्स्ट है बेटा 98 एन आई एन ई टी वाई 90 ई आई जी एच टी 8 98। नेक्स्ट है 99 एन आई एन ई टी वाई 90 एन आई एन ई 9। लास्ट है बेटा 100 एच यू एन डी आर ई डी 100 एच यू एन डी आर ई डी 100। ओके सो बेटा योर एच डब्ल्यू इज एच डब्ल्यू है डू नंबर्स
81 to 90 in your notebook. Okay, so thank you, have a nice day. Hello dear students, how are you? Today I will do chapter 6 word meaning and question answer in front of you. Our chapter name is animals, homes and babies. Dear students, आपको मैं पहले की वीडियो में चैप्टर 6 रीडिंग और जो चैप्टर में 6 में जो एक्सरसाइज है वो बुक में फिल करा चुकी हूँ मैं. टुडे आई विल डू चैप्टर 6 वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स सी डियर स्टूडेंट, क्लासेस फर्स्ट, लेसन 6 वर्ड मीनिंग, पार्ट 6 के शब्दार्थ. फर्स्ट इज एनिमल्स, ANIMAL, एनिमल. एनिमल मीन्स जानवर, जानवर. एनिमल मीन्स जानवर. नेक्स्ट सेकेंड इज डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स अलग, DIFFERENT, डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स बेटा अलग, अलग, अलग. डिफरेंट मीन्स अलग. नेक्स्ट इज लैंड, LAND, लैंड. लैंड मीन्स भूमि, भूमि. लैंड मीन्स भूमि. नेक्स्ट इज नेस्ट, NEST, नेस्ट. नेस्ट मीन्स घोंसला, घोंसला, घोंसला. नेक्स्ट मीन्स घोंसला. फिफ्थ है हीट, HEAT, हीट. हीट मीन्स गर्मी, क्या गर्म. HEAT, हीट मीन्स गर्म या गर्मी. नेक्स्ट इज किटन, KITTEN, किटन. KITTEN, किटन. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. BELLY, बिल्ली. CHECHEA, बच्चा. बिल्ली का बच्चा. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. नेक्स्ट इज eggs, EGGS, eggs मीन्स अंडे. eggs मीन्स अंडे. आई रिपीट अगेन, एनिमल जानवर. एनिमल मीन्स जानवर. डिफरेंट अलग. डिफरेंट मीन्स अलग. लैंड, लैंड मीन्स भूमि. लैंड मीन्स भूमि. नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला. नेस्ट मीन्स घोंसला. हीट, हीट मीन्स गर्मी. हीट मीन्स गर्मी. किटन, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. एग्स, एग्स मीन्स अंडे. एग्स मीन्स अंडे. नाउ वी डू लेसन 6 क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन इज नंबर इज फर्स्ट इज वेयर डू एनिमल्स लिव. वेयर डू एनिमल्स लिव, जानवर कहाँ रहते हैं. एनिमल्स लिव, एनिमल्स लिव लैंड, वाटर एंड ट्रीज. एनिमल्स लिव लैंड, वाटर एंड ट्रीज. जो जानवर है वो धरती पर, भूमि पर, पानी और पेड़ों पर रहते हैं. एनिमल्स लिव लैंड, वाटर एंड ट्रीज. जानवर भूमि, पानी और पेड़ों पर रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेम सम एनिमल्स. नेम सम एनिमल्स दैट बिल्ड देयर ऑन होम्स. ऐसे जानवरों के नाम बताओ, लिखो, जो अपना घर खुद से बनाते हैं. खुद से कौन से जानवर बनाते हैं बेटा. बर्ड्स, आंट्स एंड हनी बीज. पक्षी, चींटियाँ और मधुमक्खियाँ खुद से अपना घर बनाती है. BIRDS, बर्ड्स. ANTS, ANTS, आंट्स. ANDY, एंड. हनी बीज, HONEY, हनी बी, डबल एस, बीज, हनी बीज. बर्ड्स, आंट्स एंड हनी बीज.
खुद से अपना घर कौन बनाते हैं? बर्ड्स, आंट्स एंड हनी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू फार्म एनिमल्स लिव? वेयर डू फार्म एनिमल्स लिव? फार्म एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फार्म एनिमल्स लिव इन फार्म। फार्म एनिमल्स लिव इन फार्म, जो फार्म एनिमल्स होते हैं वो फार्म खेतों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एनिमल्स नीड होम्स? व्हाई डू एनिमल्स नीड होम्स? जानवरों को घरों की आवश्यकता क्यों होती है बेटा? बिकॉज होम्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। इसको आप ग्रुप में भी याद कर सकते हैं, बिकॉज होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। BECAUSE, बिकॉज HOMES, होम्स PROTECTS, प्रोटेक्ट्स अस FROM, फ्रॉम HEAT, हीट RAIN, रेन ANDY, एंड COLD, कोल्ड। बिकॉज होम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड, क्योंकि जो घर है वो सर्दी, गर्मी और बारिश से जानवरों को बचाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अवर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। आपको ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के रिवीजन के लिए रेडी करने हैं। ओके बेटा, आप साथ साथ रिवीजन करें, इनको याद करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी लेटर में पार्ट 9 री की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा ये क्या है? री ऋषि। क्या है? री ऋषि। और ये जो है ये री की मात्रा का चिन्ह है। ठीक है, जोर से बोल कर पढ़िए। आप सभी को मेरे साथ जोर से बोलना है और पढ़ना है। री प्लस सी तो क्या बन जाएगा? ऋषि। री प्लस सी ऋषि। देखिए चित्र किसका है? ऋषि का। ठीक है, अगला जो चित्र है उसमें देखिए री प्लस टू तो क्या बन जाएगा? ऋतु। री प्लस टू ऋतु। अगला देखिए व प्लस री। देखिए बेटा उ की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है, ऐसे ही री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगेगी। ठीक है, उ और री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। व प्लस री प्लस छ वृक्ष क्या बन जाएगा? वृक्ष। ठीक है, ग प्लस री प्लस है प्लस णी गृहिणी क्या बन जाएगा? गृहिणी। देखिए अब हमारा पाठ है, पाठ पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम क्या है? ऋषि द्वारा कृपा। ऋषि के द्वारा कृपा की जा रही है। ठीक है, एक था ऋषि। क्या था बेटा? एक ऋषि। करता था सब पर कृपा। ठीक है, कृपा मीन्स दया या करता था सब पर कृपा। पास करता था काम एक कृषक। उसके पास एक कृषक जो है वो किसान, किसान कृषक किसको बोलते हैं? किसान। उसके पास एक किसान था, उसके पास एक किसान काम करता था। कृषक के पास था एक वृषभ। देखिए कृषक के पास एक वृषभ था। वृषभ बेटा जो वो होता है जिसको क्या बोलते हैं, बैल वगैरह बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। थका कृषक आराम वृक्ष पर किया। जब जो किसान है वो थक गया तो वृक्ष मीन्स पेड़ होता है, पेड़ के नीचे आराम किया। तभी एक नृप वहां आया। नृप मीन्स होता है राजा। नृप मीन्स राजा। तभी एक नृप वहां आया, तभी एक राजा आया आता है वहां पे। करा मृग का शिकार। किसका शिकार किया? मृग। मृग मीन्स हिरण। हिरण का शिकार किया। अब ऋषि आया नृप समझाया। अब ऋषि आता है और राजा को समझाता है। ठीक है, नृप घृणा मत कर। राजा घृणा मत कर। ठीक है, चला गया नृप। राजा है वो चला जाता है। बच गया मृग। क्या बच गया? हिरण बच जाता है।
कृपालु था ऋषि, कृपालु मीन्स दयालु था ऋषि। देखिए बेटा चित्र में ये क्या है, ऋषि है और इसके पास ये जो है राजा है, इधर जो है ये किसान है, ठीक है। हिरण है देखिए, नृप यहाँ पे सॉरी जो मृग है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इधर है ये किसान है और ये इसके बैल है, ठीक है। देखिए हम फिर से पढ़ेंगे एक बार। एक था ऋषि, एक क्या था, ऋषि था, करता था सब पर कृपा, सब पर दया करता था, पास करता था काम एक कृषक, उसके पास एक जो किसान है वो काम करता था, कृषक के पास था एक वृषभ, कृषक के पास क्या था, एक वृषभ। थका कृषक आराम वृक्ष पर किया, जब किसान थक जाता है तो वृक्ष के नीचे आराम करता है। तभी एक नृप वहां आया, तभी वहां पर एक राजा आता है, करा मृग का शिकार और वह मृग जो है हिरण का शिकार करता है। अब ऋषि आया नृप समझाया, तब ऋषि आता है और उसको समझाता है, नृप घृणा मत कर राजा, घृणा मत कर, चला गया नृप और राजा चला जाता है, बच गया मृग, मृग जो है उस शिकार से, राजा के शिकार से बच जाता है। कृपालु था ऋषि, ऋषि जो था वो बहुत दयालु था, बहुत अच्छा इंसान था। तो बेटा पाठ अच्छा है, अब हम करेंगे इसका अभ्यास, ठीक है। देखिए बेटा निम्नलिखित चित्रों को उनके नाम से मिलाइए, चित्रों से चित्र देखने हैं और हमें उनके नाम से मिलान करना है। वृक्ष, देखिए वृक्ष कहाँ पर है, यहाँ पे वृक्ष है तो हम वृक्ष को वृक्ष से मिलान करेंगे। कृषि, कृषि कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो है कृषि मीन्स होती है खेती, तो यहाँ पे खेती है तो हम इसको यहाँ पे करेंगे। अब है कृषक, कृषक होता है किसान, तो किसान यहाँ पे है, ये किसान से इधर किसान से हम यहाँ पे मिलान कर देंगे, ठीक है। वृषभ, देखिए वृषभ क्या है, ये जो बैल है इसको बोलते हैं वृषभ, ठीक है। मृग, मृग मीन ये है हिरण, ये जो है लड़की ये क्या कर रही है, नृत्य नाच रही है, तो इसको हम इससे मिलान कर दें, ठीक है। अब देखिए रंग भरिए, इन शब्द पूरा कीजिए, आपको रंग भरना है और जो ये लिखा हुआ है आधा वर्ण जो लिखा हुआ है इसको पूरा कंप्लीट करके हमें शब्द बनाना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कृषि, क्या लिखेंगे, कृषि, कृषि, ठीक है, क्या लिखेंगे, कृषि। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऋषि, ऋषि, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम तृण, क्या लिखेंगे, तृण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम पृष्ठ, क्या लिखेंगे, पृष्ठ, यहाँ पे लिखेंगे मृत, और यहाँ पे घृणा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये शब्द जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको आपको अच्छा लगे वो इसमें रंग भरना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में री, ये क्या है, री की मात्रा लगाइए, निम्नलिखित शब्दों में री की मात्रा लगानी है। देखिए जहाँ पे हमें री की मात्रा लगानी है वहां पे एक गुलाबी जो ये गोला सा बनाया गया है वहां पे हमें लगानी है री की मात्रा, ठीक है। देखिए अब हम मैं के नीचे री की मात्रा लगा देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अमृत, क्या बन जाएगा, अमृत। ऐसे कह के नीचे लगाएंगे तो कृषक, ऐसे ही यहाँ कह के नीचे लगाएंगे तो कृपाण, यहाँ कह के गह के नीचे लगाएंगे तो गृहिणी, और यहाँ पे लगाएंगे तो कृष्ण, यहाँ लगाएंगे तो ग्रह, और यहाँ लगाएंगे तो हृदय, और यहाँ वह के नीचे लगाएंगे तो वृषभ, ठीक है। ऐसे आपको अपनी किताब में खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। ओके बेटा, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम, योर जीके टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। टुडे आई टीच बेटा सेंटेंसेस, SENTENCES, सेंटेंसेस, SENTENCES, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य। इनको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, की हिंदी की इंग्लिश
बनानी है। तो अब हमारा नंबर वन क्या है, वह मेरी माता है, वह मेरी माता है, वह मेरी माता है, वह मेरी माता है। तो अब हमें इसकी इंग्लिश क्या बनानी है, शी इज माई मदर, एस एच ई शी आई एस इज एम वाई माई एम ओ टी एच ई आर, शी इज माई मदर, वह मेरी माता है। तो हमें इसकी इंग्लिश में क्या बनाना है, शी एस एच ई शी आई एस इज एम वाई माई एम ओ टी एच ई आर मदर, शी इज माई मदर। अब है हमारा नंबर टू सेंटेंस, नंबर टू सेंटेंस है हमारा, हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, हम हंसते हैं। तो अब हमें इसकी इंग्लिश क्या बनानी है, वी लाफ, डब्ल्यू ई वी एल ए यू जी एच लाफ, हम हंसते हैं, वी लाफ, डब्ल्यू ई वी एल ए यू जी एच लाफ। अब है हमारा नंबर थर्ड सेंटेंस, थर्ड पे है हमारा, वे लिखते हैं, वे लिखते हैं। अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, किसकी बनानी है, वे लिखते हैं, वे लिखते हैं। तो हमें इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, हमारी इसकी इंग्लिश, दे राइट, टी एच ई वाई दे डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, वे लिखते हैं, दे राइट, टी एच ई वाई दे डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, टी एच ई वाई दे डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। अब है हमारा नंबर फोर सेंटेंस, मैं स्नान करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, इसमें क्या है, मैं स्नान करता हूँ। तो इसकी हमारी इंग्लिश क्या बन जाएगी, आई टेक बाथ, आई टी ए के टेक बी ए टी एच बाथ, आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूँ, आई टेक बाथ, आई टी ए के टेक बी ए टी एच बाथ, आई टेक बाथ। अब है हमारा नंबर फाइव, नंबर फाइव पे हमारा क्या है, वह खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, बेटा क्या आएगा, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो इसकी हमारी इंग्लिश क्या बन जाएगी, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, टी एच ई वाई दे ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, टी एच ई वाई दे ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। आई विल बी रिपीट अगेन, नंबर फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह मेरी माता है, कौन है वह, वह मेरी माता, वह मेरी माता है, शी इज माई मदर, एस एच ई शी आई एस इज एम वाई माई एम ओ टी एच ई आर मदर, शी इज माई मदर, She is my mother. वह मेरी माता है. She is my mother. S H E C I S is M Y my M O T H E R mother. She is my mother. अब है हमारा नंबर टू.
हम खेलते हैं, हम खेलते। आई एम सॉरी बेटा, हम हंसते हैं, ये खेलते नहीं है, क्या है? हंसते। हम हंसते हैं, हम हंसते हैं। वी लाफ, डब्ल्यू ई वी एल ए यू जी एच लाफ, डब्ल्यू ई वी एल ए यू जी एच लाफ। हम हंसते हैं, हम हंसते हैं। वी लाफ, डब्ल्यू ई वी एल ए यू जी एच लाफ, वी लाफ। थर्ड नंबर पे है वे लिखते हैं, वे लिखते हैं। दे राइट, टी एच ई वाई दे, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, दे राइट। वे लिखते हैं, दे राइट, वे लिखते हैं, दे राइट। टी एच ई वाई दे, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, दे राइट। टी एच ई वाई दे, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। फोर्थ नंबर है मैं स्नान करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ। आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूँ। आई टेक बाथ, आई टी ए के ई टेक बी ए टी एच बाथ, आई टेक बाथ। मैं स्नान करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ। आई टेक बाथ, आई टेक बाथ, आई टी ए के ई टेक बी ए टी एच बाथ, आई टेक बाथ। फिफ्थ नंबर पे है वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। दे आर प्ले, वे खेल रहे हैं। दे आर प्ले, वे खेल रहे हैं। दे आर प्ले, टी एच ई वाई दे ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी प्ले, दे आर प्ले, टी एच ई वाई दे ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी प्ले। देखो आज मैंने क्या कराया है, सेंटेंसेस किसमें कराया है, जीके। राइट इन योर फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास एमएलपी स्कूल राजपुरा। आई एम पूनम। टुडे आई विल लर्न अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूनिट। एज यू नो स्टूडेंट, ए कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। जैसे सभी स्टूडेंट जानते हैं, कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, जो अपने आप काम नहीं करती। इट नीड टू इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, इसे किसकी हेल्प चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है, एज ए इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, काम करने के लिए एज ए इंस्ट्रक्शन। The letter or number which we enter into the computer as instruction is called data। जो हम letter और instruction computer के अंदर input करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, data। Computer process the data and give the desired result। Computer क्या होता है, process करता है data के ऊपर and desired result। In short, a computer work on three steps। In short में हम क्या कह सकते हैं, computer three steps पे work करता है, input, process and output। Let us understand the process with an example। Suppose your mother wants to dirty clothes in the washing machine। It involves following step। For dirty clothes in the washing machine, now washing machine work for some time, you get clean clothes as the result of the above two steps। टुडे वी आर डूइंग इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यूनिट। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ लेटर वर्ड नंबर्स एंड पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा, एंड टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कलेक्शन ऑफ लेटर, लेटर का जो कलेक्शन होता है वर्ड नंबर एंड पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा, उसे क्या कहते हैं हम, डाटा। एंड टू प्रोवाइड डाटा, और जो हमारे जो डाटा होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में इनपुट एंटर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड एंड ए माउस, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड और जो माउस होता है वो किस लिए यूज़ होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसके अंडर में होती है, डाटा एंटर होने के बाद क्या करते हैं हम, प्रोसेसिंग। क्या होती है कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डेट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट टू डिजायर्ड आउटपुट। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शन, एक एक्शन मतलब अप्लाई टू इनपुट, इनपुट डाटा एंटर करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड, जो हमारे रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करने के लिए उसके अंडर में जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोसेसिंग।
द सीपीयू एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो क्या किसका काम करता है, एक्ट करता है यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट का। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट प्रोसेस इनपुट, ये जो क्या काम करता है सीपीयू, प्रोसेस इनपुट, जो इनपुट डाटा किया उसकी प्रोसेसिंग करना एंड गिव टू करेक्ट रिजल्ट। और जो प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है ये, करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो कौन से यूनिट होते हैं, आउटपुट। आउटपुट मीन द रिजल्ट डैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट। अप्लाई टू द इनपुट दी एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट की जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनपुट। वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनपुट पर। दी कंप्यूटर मेनली शोड द आउटपुट ऑन द मोनिटर एंड थ्रू ए प्रिंटर। जो कंप्यूटर होता है मेनली किसके कैसे रिजल्ट शो करता है, मोनिटर। मोनिटर पे जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिस्प्ले करता है और प्रिंटर पर हार्ड कॉपी आउटपुट। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट है, इफ़ यू वॉन्ट टू परफॉर्म ए मैथामेटिकल ऑपरेशन प्लस ऑन द डाटा 3 and 6, देन वी इंस्ट्रक्शन फॉर दिस कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमें 3 + 6 का एडिशन करना है। तो क्या करेंगे हम, इनपुट में इनपुट 3 + 6। नेक्स्ट क्या होगा फिर, नाउ द कंप्यूटर विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। एग्जांपल, इट विल ऐड द नंबर 3 + 6। तो कंप्यूटर क्या करेगा यहाँ पे, 3 + 6 को प्रोसेसिंग के अंडर में ऐड करेगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा यहाँ पे, 3 + 6। आफ्टर कैलकुलेशन द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द रिजल्ट। कंप्यूटर रिजल्ट में क्या डिस्प्ले करेगा, एज ए आउटपुट। और आउटपुट ऑफ द सम इट विल डिस्प्ले 9। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, 9। इनपुट पे क्या किया हमने, इनपुट किया रो डाटा मीन 3 + 6 का। देन क्या हुई हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या किया इसने, 3 + 6 को ऐड किया। आउटपुट रिजल्ट जो हुआ यहाँ पे 9। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।